दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप क्रिकेट की खबरें देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, ट्रेंट ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के चौथे दिन 521 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 311 पर 9 विकेट स्कोर बना लिए हैं। 62 रनों पर 4 विकेट गंवाने के बाद चौथे दिन ही भारत की जीत लग रही थी, पर जोस बटलर और बेन स्टॉक्स की 5वें विकेट के लिए 169 रनों की साझेदारी ने चौथे दिन भारत की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चौथे दिन के खेल में जोस बटलर ने 106 और बेन स्टॉक्स ने 62 रन बनाए, जबकि आदिल रशीद और जेम्स सैंडरसन 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 29 ओवर में 85 रन देकर 5 विकेट झटके, जबकि ईशांत शर्मा को 2 विकेट हाथ लगे। एक समय इंग्लैंड 62-4 का स्कोर बनाकर चौथे दिन ही हार की कगार पर पहुंच गया था, पर जीत के करीब पहुंचकर भी भारत ने ये 5 बड़ी गलतियां कर दी, वरना भारत ने ये मैच अब तक अपनी झोली में डाल लिया होता। एक रन के स्कोर पर छूटा बटलर का कैच। मैच के 27वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत ने जोस बटलर का कैच चपका दिया। उस समय जोस बटलर एक रन पर खेल रहे थे। इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए बटलर ने शानदार शतक जड़ दिया। 2. बटलर और स्टॉक्स के खिलाफ रक्षात्मक रवैया। जब जोस बटलर और बेन स्टॉक्स बल्लेबाजी के लिए आए थे तब इंग्लैंड की हालत खराब थी, पर थोड़ी ढील देते ही दोनों बल्लेबाज क्रीज पर अपने पैर जमा चुके थे। 3. जसप्रीत बुमराह की नो बॉल। मैच की 87.3वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने आदिल रशीद को स्लिप में कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया, पर बाद में ये नो बॉल करार दे दी गई। 4. हार्दिक पांड्या का बेहद कम इस्तेमाल। इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले हार्दिक पांड्या ने दूसरी पारी में सबसे कम 13 ओवर किए। अगर विराट कोहली पांड्या पर थोड़ा और विश्वास दिखाते तो निश्चित ही मैच का नतीजा कुछ और होता। 5. अंतिम मौके पर कोहली ने टपकाया आदिल रशीद का कैच। मैच के 91वें ओवर में विराट कोहली ने तीसरी स्लिप में आदिल रशीद का कैच टपका दिया। उस समय रशीद 22 रनों पर खेल रहे थे। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या टीम इंडिया तीसरा टेस्ट मैच में जीत हासिल कर पाएगी? इसका जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।